हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे COP26 के बारे में। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि आजकल एक बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग चल रही थी जो अभी रिसेंटली एंड हुई है, और इस मीटिंग के बारे में हम सारा कुछ देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, एक ओवरव्यू इस पूरी मीटिंग का हम लेंगे। तो आज का लेक्चर है COP26 के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं सुना हो कि COP26 किस चीज को लेकर हो रहा है, सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं ये मीटिंग जारी है। तो जानने की कोशिश करते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये सारा का सारा इशू क्या है, और कैसे ये लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ का जो टेम्परेचर है, बच्चे हमने सुना है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। आपने अगर बचपन से लेकर अब तक रियलाइज किया हो तो बचपन में गर्मियां उस लेवल की इंटेंस नहीं होती थी जितनी अब हैं। अब बिना एसी के सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। गर्मियों के दिनों में हमारे लिए गर्मी को टॉलरेट कर पाना, उसको एक तरह से बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सो ये सब क्यों है, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है? इसके काफी सारे रीजन है, कुछ नेचुरल रीजन भी हैं, कुछ मैनमेड रीजन भी हैं। अब जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीजन है ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? जो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज करती हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे बड़ा रीजन हमें दिखाई देता है, जो ब्रॉडर रीजन हमें दिखाई देता है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज डन बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? तो ग्रीन हाउस गैस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। सरल शब्दों में बात करूं, ऐसी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप आउट कर लेती हैं, अपने पास हीट को बांध लेती हैं, अपने पास हीट को पकड़ के रख लेती हैं। तो इनमें प्राइमरली जो ग्रीन हाउस गैसेस में GHG के नाम से हम इसे जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में प्राइमरली कितनी गैसेस आती हैं? तो याद रखना टोटल प्राइमरली 5 गैसेस इसमें आती हैं, ठीक है। और इसमें सबसे खास है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाटर वेपर की इंटेंसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो क्या करे, वो हीट को ट्रैप कर ले। तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास दिखाई देंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन हमने रिड्यूस करना है। फिर मीथेन गैस है हमारे पास, फिर नाइट्रस ऑक्साइड एंड द लास्ट वन ओजोन। अब देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ओजोन जो है अगर लोअर एटमोस्फेयर में प्रेजेंट हो, जहां पर हम सांस ले रहे हैं, तो यहां पर ये एक पॉल्यूटेंट कंसिडर की जाती है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, जिस लेयर में हम सांस ले रहे हैं, अगर यहां पर ओजोन प्रेजेंट हो तो ये एक पॉल्यूटेंट कंसीडर की जाएगी। अगर हम बात करें ओजोन की खुद की लेयर की, जहां पर ओजोन को होना चाहिए यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पर ओजोन हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने का काम करती है, यूवी रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ, ओजोन हेल्पफुल भी है लेकिन कई जगह हमें नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि हमारे जिस लेयर में हम सांस ले रहे हैं उस लेयर में अगर ओजोन प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहेंगे कि एक पॉल्यूटेंट है। सो दीज आर द 5 प्राइमरली ग्रीन हाउस गैसेस जिनके बारे में हम बार बार सुनते हैं। इसके अलावा भी और भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हमारे पास जो सन से रेडिएशन आ रही है, सन से जो हीट आई है, उसको कहीं ना कहीं आगे चलकर ये ट्रैप कर लेती हैं, और उस ट्रैपिंग की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लगातार ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको लगातार एमिट आउट कर रहे हैं, तो उससे लगातार अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सब पता कैसे चलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस का अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है IPCC, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशन हमारे पास काफी सारे इश्यूज को हैंडल और डील करता है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसका काम क्या होता है, ध्यान से वर्ड देखिएगा, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब कि मानव की गतिविधियों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मानव की गतिविधियों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर नजर रखना, यह काम है IPCC का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, जो स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करती है। और यहां पर आप याद रखिएगा, इसको एस्टैब्लिश करने में दो एजेंसीज का महत्वपूर्ण योगदान था, एक तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो डू रिमेंबर बेसिक थिंग्स बच्चे, कि हमारे पास ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के ऊपर नजर कौन रखता है, कि ह्यूमंस की गतिविधियों की वजह से हमारे जो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की वजह से क्लाइमेट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको मॉनिटर कौन करता है, उसके ऊपर नजर कौन रखता है, IPCC।
अब हम आते हैं COP26 पे। COP26, सीओपी का मतलब है, हाँ जी, सीओपी का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी हमारे पास रिसेंटली मीटिंग हुई है, ठीक है। तो ये मीटिंग किस चीज को लेकर थी? यूनाइटेड नेशन की एनुअल मीटिंग, एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको लेकर ये मीटिंग थी। अब क्वेश्चन उठता है, ये मीटिंग किसके कहने पर होती है, इस मीटिंग को मैनेज कौन करता है? तो इस मीटिंग को मैनेज करने के लिए यूएन की एक स्पेशल ऑर्गन काम करता है, स्पेशल आप कह सकते हैं एक कन्वेंशन काम करती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं UNFCCC। तो UNFCCC वो हमारे पास कन्वेंशन है जिसके तहत ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हर साल एग्जीक्यूट होती है। तो अगर हम UNFCCC की बात करें, इज अ प्राइमरली मल्टी लेवल ट्रीटी गवर्निंग एक्शन द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो समझौते हुए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उनके बारे में कहीं ना कहीं UNFCCC बात करता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल। UNFCCC का मेन ऑब्जेक्टिव देखिएगा, यहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मेन टारगेट क्या है UNFCCC का, कि जो कार्बन हमारे पास उत्सर्जन हो रहा है, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का बेसिकली उत्सर्जन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को, एमिशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, दैट इज द मेन टारगेट ऑफ UNFCCC। अब ये हमारे पास बनी कब थी? ये 1992 में बनी थी, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और ये एफोर्स में कब आई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है UNFCCC का? बोन, जर्मनी में। ये बात याद रखिएगा, बोन जर्मनी में। क्या इंडिया ने UNFCCC के सिस्टम पर, इंडिया सिग्नेटरी है, तो इंडिया ने इसको 1993 में, जी हां, रेटिफाई कर दिया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। भारत में 60% इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? थर्मल पावर प्लांट से, कोयला जलाकर बिजली बनती है। अब कोयला जलाने से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। अगर हम उसकी जगह रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करें, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, तो क्या होगा हमारे पास? ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करें। तो इस तरह से हमारे पास क्या किया जाता है, UNFCCC का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी जो चीजें हैं जिनसे रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, उनको बढ़ावा देना, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कराना। अब आगे अगर हम बात करें, ये जो पार्ट अभी COP26 हुई है, ये होस्ट किसने की है? COP26 हुई कहां है? तो याद रखिएगा, COP26 होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एंड पार्टनर विद इटली, इटली के साथ मिलकर होस्ट की है। ये बात आप याद रखिएगा, इटली पार्टनर कंट्री रहा COP26 में, इटली पार्टनर कंट्री रहा COP26 में, और होस्ट कंट्री हमारे पास होस्ट किसने की है? यूके ने। और कहां हुई है ये? बेसिकली ग्लासगो में। ग्लासगो जो है वो आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा, स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो यहां पर आप देखिएगा, इसको COP26 क्यों कहा गया, अब ये क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और पार्टीज कौन है? जो वेरियस कंट्रीज है, जैसे इंडिया एक पार्टी है। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि COP26 में कितनी कंट्रीज ने इस बार पार्टिसिपेट किया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे। देखिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज कौन है? वेरियस कंट्रीज। और 26 क्यों कहा गया, आइए देख लेते हैं। जब हमारे पास पहली मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज को लेकर, कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, वो कहां हुई थी? बर्लिन में। बर्लिन कहां है? जर्मनी में। कब हुई थी? 1995 में। और इसको कहा गया था COP1, इसको कहा गया था COP1। तब से लेकर हर साल एक मीटिंग होती है। तो इस साल 26वीं मीटिंग है क्लाइमेट चेंज को लेकर, यूनाइटेड नेशन की 26वीं मीटिंग है, 26 मीटिंग थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? COP26, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग अब आपसे पूछी जा सकती है कि COP1 कहां हुई थी, तो COP1 हुई थी 1995 में, और कहां हुई थी? बर्लिन जर्मनी में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगले साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां होने जा रही है? तो बच्चे, अगले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, यानी COP27, तो ये कहां होने जा रही है हमारे पास? अगर हम बात करें शरम अल शेख, जो कि इजिप्ट में है, तो COP27 हमारे पास कहां होने जा रही है बच्चे? इजिप्ट में। डू रिमेंबर दैट, गोइंग टू बी हेल्ड इन इजिप्ट। अगर हम बात करें इस सब के दौरान, अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो हम जब भी बात करते हैं कि COP26 चल रही है, जिसके अंदर हम पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे, बार बार हम एक वर्ड सुनने को मिलता है जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है। तो आजकल हम एक वर्ड सुनने को, बहुत अहम वर्ड सुनने को मिलता है, पेरिस एग्रीमेंट। तो पहली बात तो याद रखना, जिन बच्चों को नहीं पता,
कि पेरिस एग्रीमेंट का संबंध किससे है, पेरिस एग्रीमेंट का संबंध क्लाइमेट चेंज से है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है। सो पेरिस एग्रीमेंट था क्या, जो अभी डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है COP26 में। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें की गई थी उसको फुलफिल करो। उन्हें जो बातें 2000 हमारे पास, अगर हम बात करें COP21 जो हुई थी, ठीक है, 2015 में, ठीक है, 2015 में हमारे पास COP21 हुई थी, उसमें जो बातें की गई थी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप फुलफिल कीजिए। अब बेसिकली हुआ क्या था बच्चे, अभी 26वीं मीटिंग हुई है, जो 21वीं मीटिंग थी, जो COP21 थी, वो पेरिस में हुई थी, और इसमें कुछ समझौते हुए कंट्रीज के बीच में, कुछ समझौते हुए जो वेरियस मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने समझौता किया और कहा कि वो अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे। और कुछ कंट्रीज ने क्या कहा कि आने वाले टाइम में वो नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन बनेंगे, नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन बनेंगे। यहां पर बच्चे एक वर्ड सोचने वाला है और खास ध्यान देने वाला, मैं उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं, नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर आप कोई फ्यूल बर्न करते हो, कोई भी कोयला जलाते हो, कोई भी फ्यूल बर्न करते हो, पेट्रोल डीजल, तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन बनेंगे। तो क्या गाड़ी चलाना, तेल जलाना या कोयला जलाना ये सब छोड़ देंगे? नहीं, ये जितना कोयला जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, उसको सोखने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, उतना ही कोई सिस्टम बनाया जाएगा ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना बढ़े। तो बेसिकली इस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्ल्ड में ओनली नेगेटिव एमिटर नेट नेगेटिव एमिटर कंट्री कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, जो जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उससे ज्यादा सोख लेती है, तो वो है भूटान, नेट नेगेटिव एमिटर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नेट नेगेटिव एमिटर हमारे पास अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड की इकलौती कंट्री है भूटान। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई थी, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 2016 में। एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में। इफेक्टिव कब हुआ, फोर्स में कब आया, 2016 में। और इससे पहले जिस एग्रीमेंट के ऊपर बात चलती थी, जिसने पेरिस एग्रीमेंट ने किस एग्रीमेंट को खत्म किया, डर्बन प्लेटफॉर्म को, जो हमारे पास COP17 के थ्रू आया था। तो याद रखना बच्चों, COP21 के थ्रू आया था पेरिस एग्रीमेंट, और पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, ये हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का मेन हमारे पास एजेंडा था। पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, एज पर द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2015, मैंने आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2015 में, जिसमें कहा गया था कि टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ने दिया जाएगा। यानी कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उसमें 2 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं होगी, 2 डिग्री से ज्यादा उसको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक दिया जाएगा। ये टारगेट रखा गया था, कब तक कि 2100 तक, मतलब कि बाय 2100 जो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको मैक्सिमम बढ़ने की जो अलाउ किया जाएगा, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें COP21 में इंडिया ने क्या कहा था, देखो इंडिया ने क्या कहा था कि इंडिया जो है अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा 2030 तक, 2030 तक इंडिया अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा, और इसमें बहुत बड़े लेवल पर कटौती की जाएगी। इसमें इंडिया ने क्या कहा कि इंडिया विल क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक। अब यहां पर वर्ड देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया है, कार्बन सिंक क्या होती है, जहां पर कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन कहां होती है, देखिए यहां पर आप देखिएगा, एब्जॉर्प्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है, ये पेड़ पौधे वनस्पति और हमारे पास ओशंस जो है वो CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये CO2 को क्या कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये ओशंस अब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, ग्रासलैंड अब्सॉर्ब करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। उत्सर्जन कहां से होता है, फैक्ट्रीज से हमारे पास क्या होता है, उत्सर्जन होता है कार्बन वगैरह का। तो इसको हमने अब्सॉर्ब करना है आर्टिफिशियल टेक्निक से, फॉरेस्ट से और ओशंस के थ्रू। तो इंडिया क्या करेगा, एडिशनल हीट कार्बन सिंक जो है वो क्रिएट करेगा, और उसके क्रिएट करने के लिए क्या किया जाएगा, फॉरेस्ट और टी कवर को इंक्रीज किया जाएगा। इंडिया में जो फॉरेस्ट है और ट्री कवर है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है कि एटलीस्ट 33% एरिया पे, इंडिया के 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिले, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत के एटलीस्ट 33% हिस्से पे हमें देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि इंडिया का टारगेट क्या है कि 33% एरिया मस्ट बी कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ट्रीज। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं 2.5 से 3 बिलियन टन की CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको सिस्टम से, एनवायरमेंट से हटा लिया जाएगा।
अगर हम बात करें, ये कुछ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया एक पोस्टर है, तो इसमें देखिएगा इंडिया अचीव टू रिडक्शन ऑफ 24%। यहां पर क्या कह रहा है इंडिया कि 24% जो है, ध्यान से देखिएगा, इंडिया जो है वो 24% एमिशंस में कटौती करेगा 2005 से 2016 के बीच में, ठीक है, इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बिटवीन। ये इंडिया ने तब कहा था, हमारे पास पहले की ये बात है, और इंडिया ने ये भी कहा था कि जो रेलवेज है, जो भारत में सबसे बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, 2030 तक इंडियन रेलवे बन जाएगी नेट जीरो कार्बन एमिटर। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, रेलवे क्या करने जा रही है कि जितने भी हमारे पास लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, इंजन जो होते हैं बेसिकली ट्रेन के, जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक इंजन होंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा सोलर एनर्जी के थ्रू या अदर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, कोयले से वो बिजली नहीं बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडियन रेलवे 2030 तक नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन बन जाएगी, ये इंडियन रेलवे ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। और इंडिया ने 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है 2030 तक, ये इंडिया ने पहले भी कहा है। अगर हम थोड़ा सा और COP26 के बारे में बात करें, देखो ध्यान से सुनिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि COP26 में दो डिफरेंट जोन्स के बारे में बात की गई है, एक तो है ब्लू जोन और एक है ग्रीन जोन। अब ब्लू जोन में कौन आते हैं, जैसे इंडिया के जो मिनिस्टर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करती हैं, वो सब आएंगी ब्लू जोन में। ग्रीन जोन में कौन आएंगे, हमारे और आप जैसे लोग, कॉमन पीपल। अब हम लोग जो हैं वो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमें पता ही है कि हम जो है रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, सिस्टम को हमारे पास सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करें। तो हम जो कॉमन पीपल हैं वो आएंगे ग्रीन जोन में, ब्लू जोन में कौन आएंगे, मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव और ऑर्गेनाइजेशंस। तो दो पार्ट्स में COP26 में जो कैटेगरीज हैं वो बनाई गई हैं, और UNFCCC के अकॉर्डिंग COP26 के 4 गोल्स हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कितने मेजर गोल्स हैं COP26 के, 4 मेन गोल्स, आइए देख लेते हैं वो कौन से गोल्स हैं। एक तो है कि मिड सेंचुरी, देखो जो मैंने अभी बताया कि 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ना बढ़े, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े मिड सेंचुरी तक, यानी कि 2050 तक बेसिकली, ठीक है। और अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स को और कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंसिस, $100 बिलियन हर साल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रोवाइड किए जाए, किसके द्वारा, डेवलप कंट्रीज के द्वारा। जैसे डेवलप कंट्रीज हमारे पास यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज क्या करें, जो वीकर कंट्रीज है जैसे अफ्रीका या साउथ एशियन कंट्रीज की हेल्प करें, ताकि वो क्या कर सके, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सके। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा। तो हर साल $100 बिलियन जो है फाइनेंस मोबिलाइज होना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जा सके, उसको थोड़ा सा, उसके प्रोसेस को स्लो किया जा सके। क्या एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या क्लाइमेट चेंज को होने से हम बिल्कुल रोक सकते हैं, तो आंसर है नो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या इस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं, तो आंसर है यस, हम इस प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। अगर हम बात करें यहां पर पेरिस रूल बुक में जो रूल्स बने थे उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ये भी COP26 में कहा गया है। मतलब कि COP26 में बात की गई है फिर से COP21 के बारे में। यहां पर कहा गया है कि COP21 में जो हमने डिसीजन लिए थे उनको प्रॉपरली हम क्या करें, उनको प्रॉपरली हम इंप्लीमेंट करें। अब देखिए यहां पर आप देखिएगा कि COP26 जो है उसका मेन एजेंडा क्या रहा, देखो ध्यान सुनना, COP26 में मेन एजेंडा क्या रहा, नेट जीरो 2050 मे का प्लान फॉर फ्यूचर। यहां पर बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि 2050 तक वो क्या हो जाएंगे, नेट जीरो एमिटर ऑफ कार्बन, यानी कि वो हमारे पास कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। चाइना ने कब तक कहा है, चाइना ने कहा है कि वो बाय 2060 इस टारगेट को अचीव करेगा, लेकिन हमारे पास COP26 के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि 2050 तक ज्यादातर कंट्रीज ये टारगेट अचीव कर ले। इंडिया कब तक ये चाहता है वो हम जान लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन कई इंटरेस्टिंग इमेजेस यहां पे देखने को मिली हमारे पास COP26 के दौरान, जैसे कि ये इमेज, ये टुवालू एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, इसके फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने सी वाटर के बीच में खड़े होकर इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये इमेज हमारे पास देखने को आपको मिल रही होगी। एक्चुअली क्या था, जैसे देखो समझने की कोशिश करना बच्चे, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, उससे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं,
जैसे कि एक ग्लेशियर का नाम याद रखना, A76 नाम का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो हमारे पास ब्रेकडाउन हुआ मई 2021 में, ब्रेकडाउन हुआ अंटार्कटिका से, A76 नाम का जो ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, उससे सी वाटर लेवल, समुद्र में जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगे, कंट्रीज ही खत्म हो जाएंगी, जैसे कि टुवालू नाम की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री, जैसे मालदीव्स नाम की कंट्री, और तटवर्ती इलाके जो है, जो हमारे पास जो ऐसे एरियाज जो ओशन के साथ लगते हैं या सी के साथ लगते हैं, वो भी डूब जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी चीज को दिखाने के लिए इन्होंने ओशन के बीच में खड़े होकर टुवालू के मिनिस्टर ने COP26 को क्या किया, एड्रेस किया। यहां पर एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट का नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इस बार पूरे COP26 में एक पर्सन जो छाए रहे वो हमारे पास टक्साई सुराई, ये कौन है, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कौन सी कंट्री से, याद रखिएगा ब्राजील से। इन्होंने अपनी ब्राजीलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये रहती हैं, और अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने केस फाइल किया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया कि इनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रही, और इनका एक तरह से चेहरा जो है वो COP26 में एक मेन चेहरा बनकर सामने आया, इनके ऊपर इवन अटैक भी हुआ इसके बाद, इनकी स्पीच के बाद। तो इनकी स्पीच बड़ी ऐतिहासिक स्पीच रही इस बार COP26 में, तो इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन है, तो आपने याद रखना है ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कौन सी कंट्री से, ब्राजील से। उसके अलावा हमारे पास स्वीडन की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, इनका नाम भी याद रख लेना, ग्रेटा थनबर्ग, शी इज फ्रॉम स्वीडन। ये कौन सी कंट्रीज हैं, स्वीडन। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से। इस मूवमेंट में क्या था कि जब ये 16 साल की एक टीनेजर थी, तो ये फ्राइडे को अपने स्कूल जाने के बजाय अपने पार्लियामेंट के सामने जाकर बैठ जाती थी और बोलती थी कि क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए आप कुछ डिसीजन लीजिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप कुछ डिसीजन लीजिए। तो एक मूवमेंट इन्होंने चलाई फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, और अभी इन्होंने यूएन को क्या कहा है कि प्लीज आप क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में याद रखेंगे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, कौन सी कंट्री से, स्वीडन से हैं, कौन सी मूवमेंट के लिए जाने जाता है इन्हें, याद रखिएगा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट के लिए इन्हें जाना जाता है। अब इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, ये भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पूरे उसमें, तो इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि आने वाले जिस एग्जाम्स जो होंगे वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इंडिया का टारगेट क्या है 2030 तक, तो इंडिया ने क्या कहा है कि हमारे पास 50% जो एनर्जी होगी वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, यानी कि 2030 में इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी और जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसका 50% हिस्सा रेन्यूएबल सोर्सेज से आएगा, और इंडिया जो है अपनी एमिशन इंटेंसिटी पर जीडीपी वो भी रिड्यूस करेगा। इसके अलावा अभी हमने देखा था कि इंडिया ने टारगेट रखा था कि 450 GW रेन्यूएबल एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करेगा 2030 तक, इसको भी इंडिया ने 50 GW का एक जंप दिया है, और क्या कहा है कि अब इंडिया 450 नहीं 500 GW, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इंडिया 500 GW रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। बहुत एंबिशियस टारगेट है। रेन्यूएबल एनर्जी में नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब आती हैं। और इंडिया का टारगेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर का पॉइंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंडिया ने कब तक कहा है कि वो नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेगा 2070 तक। ज्यादातर कंट्री ने 2050 तक कहा है, चाइना ने ये टारगेट 2060 तक अचीव करने की बात की है। याद रखना, चाइना और रशिया ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2060 तक अचीव करने की बात की है, यूएसए ने 2050 तक अचीव करने की बात की है, और इंडिया ने कब तक अचीव करने की बात की है, 2070 तक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एग्जाम पॉइंट से याद रखने हैं। अगर हम बात करें, ये पांच बड़ी अनाउंसमेंट थी, ये इंडियन एक्सप्रेस का हमारे पास एक आर्टिकल, वहां से ली गई एक इमेज, तो इंडिया ने पांच बड़ी अनाउंसमेंट की है, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, दैट इज ऑल अबाउट COP26, और हमने इसको इस तरह से कवर करने की कोशिश की है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।